आपने हमसे कहा कि हम मालदीव जाकर प्रतियोगिता जीते, हम जीत गए। हम वहां जाकर आपकी चिंता ना करें, हमने वो भी नहीं, हम ढेर सारी तस्वीरें हमने ली और आपने हमें भरोसा दिलाया था ना कि हम अपना ख्याल रखेंगे। अरे ये क्या हालत कर लिया आपने। क्या हो गया आपको? हम ना उसे बहुत ही नहीं करेंगे गुनगुन। गुनगुन आपको याद है आपकी राम आपको हमेशा क्या सिखाया करती थी? याद है क्या बोला करते थे हम आपसे? ये जो आपका शरीर है ना, इसके अंदर जो आत्मा है, आपकी आत्मा, उसकी शक्ति से ही आपका शरीर चलता है। ये जो आपको इतनी सारी चोटें लगी है ना, ये सिर्फ आपके शरीर को लगी है गुनगुन, पर आपकी जो आत्मा है ना, वो अभी भी सजग है। उठना चाहती है, हमारे साथ खेलना चाहती है गुनगुन, हमारे साथ कहानियां सुनना चाहती है, मस्ती करना चाहती है, घूमना चाहती है। तो गुनगुन अब ना आप अपने शरीर से कहिए कि बस हो गया, अब हमें अपनी रामा के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है। अपनी दादी से बिजनेस करना सीखना, अपने दादू के कंधे पर घूमना है। अपनी बुआ से अपने बाल बनाने सीखना है ना गुनगुन। अपने फूफा जी से ढेर सारे खिलौने लेने हैं। अपने चाचू की मोटरसाइकिल पर घूमना है आपको, घूमना है कि नहीं? तो बोलिए अपनी जरी से बस हो गया, उठने दीजिए। गुनगुन 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 अपनी रामा की बात सुनिए, गुनगुन गुनगुन सुनिए अपनी रामा की बात, उठिए प्लीज उठो ना गुनगुन। गुनगुन अब जानती है ना कि आपका और हमारा रिश्ता साधारण नहीं है, हमने आपको पैदा नहीं किया है, इसका अर्थ जानती है ना? अपनी मर्जी से हमें अपनी माँ चुना है, और हमने आपको अपनी बेटी, छोड़कर जाना तो गलत होगा ना? ये तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, चीटिंग होगी ना गुनगुन? और हमें पूरा विश्वास है हमारी गुनगुन हमारी बच्चियों से कभी भी ऐसे चीटिंग नहीं करेगी। गुनगुन बेटा अब उठिए ना, गुनगुन एक बार आंखें खोलिए ना,
गुनगुन, आप ना जो बोलेंगे हम वही करेंगे। आप जो बनाकर खिलाने बोलेंगे ना वही खिलाएंगे। आपको जो करने का मन करे ना वही करिएगा। आपको स्कूल जाने का मन नहीं करता ना, हम आपको भेजेंगे नहीं। पापा जी कह देंगे आपको स्कूल ना भेजे। आप घर पे रहकर मस्ती करिएगा, हमारे साथ खेलिएगा, हम आपको कहानी सुनाएंगे। आपको जो करने का मन करे ना गुन, हम वही करेगा। पर उठ जाइए ना गुनगुन। अरे बाप रे बाप, ये माँ बेटियां पागल हो गई है क्या? इतनी अच्छी नई गाड़ी को तुम लोग इस तरह चला दोगे? मामा जी, ऐसी गाड़ियां तो आती रहेंगी, लेकिन अगर राधा मोहन को इस बारे में पता चल गया ना, तो हमारी जान तो बचने से रही। चला दो चला दो, उधर भी डालो उधर भी डालो, और आग लगाओ। अरे रे रे, तो गई। कितनी अच्छी गाड़ी थी। बस गुनगुन के चिता में भी ऐसी आग लग जाए। गुनगुन उठो ना, गुनगुन की माँ के बिहारी जी। गुनगुन, आपको छोटा भाई या छोटी बहन चाहिए थी ना? हम आपके लिए ला देंगे, आप फिर खेलिएगा उनके साथ। उसके लिए तो आपको उठना होगा ना, ताकि आप उनका ध्यान रख पाए, उनके साथ खेल पाए। क्योंकि हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है और हम तो सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखेंगे। तो अपने छोटे भाई या छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए आपको उठना होगा कि नहीं गुनगुन? मामा की हर बात सुनती हो ना, प्लीज इस बार भी सुनो ना गुनगुन, प्लीज उठो ना गुनगुन, उठ जाओ ना गुनगुन, प्लीज। गुनगुन गुनगुन, हम ना आपको ऐसे और नहीं देख पा रहे, उठ जाइए। बहुत तकलीफ हो रही है, मैं उठ जाइए गुनगुन। छोटी, आपको तो कितना कुछ देखना अभी आपको अपने जीवन में। खेलना है, हंसना है, कूदना है, नाचना है, गाना है, कितना कुछ बाकी है गुनगुन, उठ जाइए ना। हमें बहुत तकलीफ हो रही है गुनगुन, मत कर अपने रामों के साथ ऐसा। गुनगुन गुनगुन, आज अगर आपको कुछ हो गया ना, तो हमारी ममता हार जाएगी गुनगुन।
रहेगी कि अब गुनगुन की सौतेली माँ है। गुनगुन, और इसीलिए हम अपना फर्ज सीख से नहीं निभा और अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए। गुनगुन गुनगुन उठो ना, प्लीज राधा की बात सुनो ना। गुनगुन गुनगुन, और आपकी माँ ने तो हमें आपकी जिम्मेदारी सौंपी थी। कि हम आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। और हम उन्हें क्या उत्तर देंगे, हम क्या कहेंगे उनसे? राधा, प्लीज ऐसा मत को, बल्कि तुमने तो उसे मुझसे कई ज्यादा प्यार दिया। तुम्हारी ममता पर, तुम्हारी परवरिश पर कभी कोई शक नहीं कर सकता राधा, ये सब मत को प्लीज। शुक्र है कि मोहन को हमारे इस कांड के बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा, वरना हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मम्मा, तू चिंता मत कर बिटिया, ये हमारा वो कांड था जो हमने चला दिया। उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला और हम तक वो नहीं पहुंच पाएगा। अगर आज आप चली गई तो आपके साथ साथ आपकी रामा भी चली जाएगी। उठ जाओ गुनगुन, तुम्हें तुम्हारे रामा की बात सुननी होगी। उठो ना गुनगुन प्लीज। राधा, ये क्या कह रही हो तुम? सर, बच्ची की हालत बहुत खराब है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। नहीं, उस बच्चे को बचाना होगा। मेरे मिशन को पूरा करने के लिए उसे जीना होगा। मुझे वहाँ की हर मिनट की अपडेट चाहिए। माना कि हमने आपको पैदा नहीं किया, पर आपकी हर सांस से हमारी सांस से जुड़ी है। आपने हमें राधा से रामा बनाया। आज से मैं तुम्हें राम मां बुलाऊंगी। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे? तू मुझसे है। राखी का फेस्टिवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमारी रक्षा करते हैं, और तुम्हें तो मेरी रक्षा करती हो ना। पूछो ये मां के दिल से। तुझसे मेरा नाम। जाओ मेरी राधा, और मुझे ना एक क्यूटू सा, क्यूट सा एक भाई चाहिए। नाम है आप, मेरी पहचान है तुझसे।
रावा के अलावा और कोई अस्तित्व ही नहीं है। गुनगुन है तू सब कुछ। गुनगुन नहीं तो कुछ भी नहीं। आप ही तो वही डोर है गुनगुन जो हमें मोहन जी से बांधती है। अगर आप ही को कुछ हो गया तो हम दोनों तो बिखर जाएंगे। गुनगुन कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुनगुन बहुत तकलीफ हो रही है, हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे। उठ जाए ना गुनगुन। ठीक है गुनगुन, मत उठिए, नहीं उठना ना आपको। तो यही आपके सामने ना आपकी राधा भी प्राण त्याग देगी। राधा क्या कह रहे हो तुम? देखो गुनगुन को कुछ नहीं होगा। गुनगुन अभी उठेगी, उठ जाएगी वो। प्लीज कैसी हो तुम?
मिरेकल तो बस एक माँ ही कर सकती है। राधा तुम, तुमने गुनगुन को बचा लिया। खुश रहो बेटा। बस अब गुनगुन ठीक है। रामा, सब लोग रो क्यों रहे हैं? कौन रो रहा है? कोई नहीं रो रहा बेटा, कोई नहीं रो रहा। कोई रो रहा है? नहीं देखो, कोई नहीं रो रहा। वो गुनगुन, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सब थोड़ा परेशान हो गए थे। अब आप उठ गई हैं, अब सब कुछ ठीक है। ए? हाँ, अब सब ठीक है, पर हमें गुनगुन की अब कुछ टेस्ट करने होंगे, तो आप सब लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। बस थोड़ी देर के लिए। जी डॉक्टर। जरूर। गुनगुन हम बाहर ही है, ठीक है? आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, हाँ? आपके रामा और पापा इधर ही बाहर ही हैं, हाँ? चलो 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 चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बांके बिहारी जी की कृपा से हमारी गुनगुन बिल्कुल ठीक है अब। नहीं माँ, एक खुशखबरी है, बच्ची बच गई है। अगर वे राधा मोहन अपनी मरी हुई बच्ची को जिंदा कर सकते हैं, तो हमारा काम भी कर ही लेंगे। मिशन हैप्पी दिवाली शुरू करो। आतिशबाजी का टाइम आ गया है। मैं एक बात बताइए ना, जब हमने फोन किया था गुनगुन से बात करने के लिए, और जब बात कर रहे थे तब वो ठीक तो थी ना? हाँ माँ जी, जब हम वहां से गुनगुन से बात कर रहे थे तब तो गुनगुन बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक से क्या हो गया? गुनगुन की किडनैपिंग की कोशिश में उन लोगों ने उसका ऑक्सीजन पाइप और ब्लड बॉटल निकाल दिया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। अभी तो हमने किसी तरह हालात संभाल लिए, लेकिन अब हमें उसका थर्ड ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। क्या हुआ माँ, बोलिए ना प्लीज। बताइए ना माँ जी, गुनगुन की अचानक ये हालत कैसे हो गई? कुछ हुआ था ना माँ जी? कोई यहाँ पर आ जाए, उसके पहले उठा लो इस चूहा को। गुनगुन की किडनैपिंग की कोशिश में उन लोगों ने उसका ऑक्सीजन पाइप और ब्लड बॉटल निकाल दिया था। अभी तो हमने किसी तरह हालात संभाल लिए, लेकिन अब हमें उसका थर्ड ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा।